हेलो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर ढाका से भागकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं, पर अब उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि हसीना व उनके कुछ करीबी व उनकी छोटी बहन शेख रिहाना तब से गोपनीय जगह पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब हसीना किसी नए ठिकाने की ओर चल पड़ी है। उसने अपना नया ठिकाना कहाँ होगा यह जानकारी नहीं दी है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब वे संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब या फिर कतर में अपना अगला ठिकाना बना सकती हैं। वहीं शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद रॉय की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में शांति के हालात हो जाएंगे व लोकतंत्र बहाल हो जाएगा तो वो अपनी माँ को फिर से देश आने के लिए कहेंगे और तभी उनकी माँ देश आएगी। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि जब शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश वापस लौटेंगी तो वह सेनावृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या फिर सक्रिय नेता के रूप में लौटेंगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्य ना तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और ना ही संकटग्रस्त अवामी लोगों को बेसहारा छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को सुरक्षा देने के लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आप बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील करें। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के लोकतंत्र को बनाए रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करनी चाहिए या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट कर साझा करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।